जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का फन कुचलने के लिए मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में अलगाववादियों का सरकार अब हिसाब लगाने में जुटी है। मोदी सरकार कश्मीर में हर हाल में विकास और शांति के लिए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से 30 कैदियों को आगरा सेंट्रल जेल में गुरुवार को बगैर किसी के भनक लगे लाया गया। बताया जा रहा है कि विशेष विमान से जम्मू कश्मीर के सभी कैदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा लाया गया। जम्मू कश्मीर से विशेष विमान 30 कैदियों को लेकर आगरा खिरिया एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट से सेंट्रल जेल तक कड़ी सुरक्षा के बीच कैदियों को लाया गया। एयरपोर्ट से आगरा सेंट्रल जेल तक पुलिस के लंबे लाव लश्कर के बीच सड़क मार्ग से इन बंदियों को लाया गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य घोषित किए जाने के बाद सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। आगरा स्थित सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर से बंदियों को हवाई जहाज से आगरा लाया गया। आगरा हवाई अड्डे से सेंट्रल जेल के बीच पुलिस का कड़ा पहरा रहा। पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया इकाइयां तक हाई अलर्ट मोड पर थी। उच्च स्तर पर सुरक्षा को लेकर कई कड़े निर्देश दिए गए थे। आपको बता दें कि जिन वाहनों में कैदी सवार थे उन वाहनों की खिड़कियों को कपड़े से ढका गया था। केंद्रीय कारागार की हाई सिक्योरिटी बैरक में इन कैदियों को बंद किया गया है। जेल के बाहर पीएसी के साथ स्वाट और पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं इन बंदियों की पहचान भी गुप्त रखी गई है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात और वहां के अति संवेदनशील माहौल को देखते हुए इन बंदियों को वहां से हटाकर दूसरे राज्य की जेल भेजने का फैसला हुआ है। इसी के तहत यूपी की आगरा सेंट्रल जेल चुनी गई। कुछ और बंदियों को भी जल्द ही जम्मू कश्मीर से यूपी भेजा जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ताबड़तोड़ कदम उठा रही है, उससे जल्द ही कश्मीर से कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि बकरीद के मौके से पहले सरकार की कोशिश है कि घाटी की जिंदगी ट्रैक पर लौट आए, जिससे लोगों के त्यौहार में कोई खलल ना हो। पीएम मोदी ने जिस तरह से राष्ट्र को संबोधन किया और कश्मीर को लेकर रोड मैप सामने रखा है, उससे तो यही लगता है कि सरकार अलगाववादियों का हिसाब करके कश्मीरियत में नई जान फूकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।